लोकसभा चुनाव 2019 उर्मिला मातोंडकर उत्तर मुंबई सीट से लड़ेंगी चुनाव। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। दो दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली थी। उनके सामने चुनावी मैदान में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी होंगे। 28 मार्च 2019 मोदी को शराब और शराब का फर्क नहीं पता, अखिलेश। सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार पर तमस कसते हुए ट्वीट किया है, नफरत को फैलाने वाले शराब और शराब का अंतर नहीं जानते। इससे पहले गुरुवार को ही मेरठ में आयोजित भाजपा की एक चुनावी रैली में मोदी ने कहा था, यहाँ पर महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर भी स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहाँ पर आए। उन्होंने कहा, अब इसको अलग तरीके से देखिए। सपा का आरएलडी कर और बसपा का वदेश मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, आज टेलीप्रॉम्प्टर ने यह पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वे लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मृगतृष्णा भी कहते हैं और यह वे धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है लेकिन जो कभी हासिल नहीं होता। अब जब नया चुनाव आ गया तो वे नया शराब दिखा रहे हैं। वहीं लालू सिंह यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, धत 5 साल में सा और शक का अंतर नहीं सीखा, लो हम सिखाते हैं शाह का शक। राजनाथ कर और बुड़बक बीजेपी का बन गया शराबबंदी में धड़ल्ले से बिकता गुजराती शराब। 27 मार्च 2019 बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बुधवार को कांग्रेस में शामिल होगी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। ऐसा कहा जा रहा है कि उर्मिला को उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस की उम्मीदवारी दी जा सकती है। वहीं भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया है। ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें आजमगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 मार्च 2019 बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नौवीं लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे जबकि सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल और कानपुर से सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया गया है। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया। जया प्रदा को रामपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, वे आजम खान को चुनौती देंगी। जया प्रदा 2 बार सांसद रह चुकी हैं। गाजीपुर से मनोज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जबकि चंदौली से महेंद्र नाथ पांडेय को टिकट मिला है। अभिनेत्री जया प्रदा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने मंगलवार को पार्टी की सदस्यता हासिल की। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का अहम पल है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रभावित हूं और उनके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी। उनके हाथ में यह देश सुरक्षित है। जया प्रदा इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही थी। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रामपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। वो इस सीट से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। अगर ऐसा होता है तो रामपुर का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां से वरिष्ठ नेता आजम खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 25 मार्च 2019 पहले चरण के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। इनमें मथुरा से हेमा मालिनी मथुरा, महेश शर्मा गौतम बुधवार नगर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर, कांग्रेस नेता राज बब्बर फतेहपुर सीकरी, जनरल वी के सिंह गाजियाबाद, चिराग पासवान जमुई, फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर आदि ने नामांकन पत्र भरे। इसके अलावा कांग्रेस से इमरान मसूद सहारनपुर, सपा की ओर से तबसुम हसन कैराना मेरठ से, बसपा की ओर से हाजी मोहम्मद याकूब आदि का नाम शामिल है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे चरण के लिए आज नामांकन भरने वालों में नागपुर से नितिन गडकरी, शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम, कटक से बीजेपी उम्मीदवार ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा आदि रहे। उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अजय कमत्ता ने नामांकन भरा।
पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 28 मार्च है और 11 अप्रैल को 20 राज्यों में मतदान होगा। 24 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम ऑडिट क्यों नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस बारे में आयोग से गुरुवार तक एफिडेविट दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट एक से अधिक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट से वोटों के मिलान के पक्ष में है। इक्कीस विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्ची से की जाए। फिलहाल किसी एक पोलिंग स्टेशन के वोटों का मिलान वीवीपैट से की जाती है। 23 मार्च 2019 अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी चौकीदार हैं तो मैं उन्हें टोपी सीटी दूंगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर चौकीदारी की ख्वाहिश है तो वो उन्हें टोपी और सीटी देंगे। उन्होंने हैदराबाद की एक सभा में कहा कि कैसे को वोट देते हैं, कभी चाय वाला बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं, कभी नालों से गैस निकालते हैं और अब चौकीदार बन गए हैं। अब चौकीदार बन गए हैं तो ठीक है, मैं उन्हें टोपी और गले में सीटी पहनाऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं।